विद्यापीठ की सीनेट परिषद में दबदबा बनाने के लिए युवा सेना पूरी ताकत से जुटी है। सीनेट चुनाव के लिए सेना ने मतदाता पंजीयन कराने का टारगेट बढ़ा दिया है। फिलहाल सेना की ओर से 15,000 से अधिक विद्यार्थियों के आवेदन विद्यापीठ में जमा कराए गए हैं। इनमें से 5,000 के करीब आवेदन मंजूर कर लिए गए हैं। मतदाता पंजीयन कार्यक्रम से उत्साहित युवा सेना ने 50,000 सदस्य पंजीयन कराने का लक्ष्य रखा है। विधानसभा क्षेत्र के अलावा शिक्षा व सहकार क्षेत्र के पदाधिकारियों को भी विशेष जिम्मेदारी दी गई है। मतदाता पंजीयन बढ़ाने के लिए संगठन की ओर से वार रूम बढ़ाए जाएंगे। गुरुवार को रवि भवन में युवा सेना के सचिव वरुण सरदेसाई ने चुनाव तैयारी के कार्य की समीक्षा की। रामटेक के सांसद कृपाल तुमा ने महानगर प्रमुख प्रमोद मानमोड़े, महानगर प्रमुख किशोर कुमेरिया, विशाल बरबटे सहित अन्य प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित थे। बैठक में नागपुर विभाग में चुनाव तैयारी के कार्य पर विस्तार से चर्चा की। इस दौरान बताया गया कि मतदाता पंजीयन कराने में कई अड़चनें आ रही हैं। विविध कारणों से विद्यापीठ कई आवेदन अस्वीकृत कर रहा है, लिहाजा त्रुटियां दूर करने को कहा गया। फिलहाल मतदाता पंजीयन के लिए संगठन की ओर से जिले में 5 वार रूम है। वारंवार शिवसेनेच्या वतीने नागपूर असेल आणि संपूर्ण विदर्भ भाग असेल इथे विशेष लक्ष दिलं जाते। गेल्या 4 महिन्यामध्ये प्रत्येक महिन्यात एकदा असा 4 वेळा मी देखील आलो होतो आणि सध्या सिनेट निवडणुकींची नोंदणी सुरू आहे आणि युवासेना प्रमुख आदित्यसाहेब ठाकरे यांच्या आदेशानुसार यावेळेला युवासेना नागपूर विद्यापीठातील सिनेट निवडणूक ही पूर्ण ताकदीने लढणार आहे आणि त्याकरताच एक आढावा बैठक म्हणून आज आम्ही इकडे आलेलो आहोत। आत्तापर्यंत जी नोंदणी सुरू आहे त्यामध्ये युवासेना शिवसेनेच्या सगळ्या पदाधिकाऱ्यांच्या मदतीने अतिशय चांगली नोंदणी आम्ही केलेली आहे। अनेक सिनेट सदस्य, माजी सिनेट सदस्य हे आमच्या संपर्कात आहेत। चर्चा केल्यानंतर काही लोक हे आमच्या सोबत देखील येताना तुम्हाला पुढील काळात दिसतील। कॅमेरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ अभिषेक पानसी, BCN News नागपूर।